शिमला में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और पानी के लिए लोगों ने आत्मदाह करने की चेतावनी तक दे दी है। संजौली चौक पर प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों लोगों ने पहले चौक पर चक्का जाम किया और गाड़ियों के आगे सड़क पर लेट गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम हरिचंद्र गुप्ता बताया जा रहा है, उसने पानी न देने पर आत्मदाह करने की धमकी दे दी है। इनका कहना है कि घर में पिछले 16 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, बाकी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई दी जा रही है, लेकिन डिंगू बावड़ी के पास पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब पानी के बिना जीना मुश्किल हो गया है और कोई भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहा है। अगर जल्द से जल्द पानी नहीं दिया गया तो वो खुद को आग लगा कर आत्मदाह कर लेंगे। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। अगर 4 बजे पानी नहीं आया तो 8 बजे मेरा प्रकाश चंद गुप्ता पल्लू की बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं सुबह आत्म देख करूंगा, चाहे जो भी मीडिया वाले खड़े मेरी सुन ले, मैं कल सुबह इसी चौक पर आत्म देख करूंगा कि अगर 4 बजे पानी नहीं आया पब्लिक को, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, मैं भावुक होकर बोल रहा हूँ कि 16 दिन मेरे पास पानी खो गए हैं और अगर कल पानी नहीं आया पहल साहब, मैं इसी चौक पर आत्म देख करूंगा।